व्हाट्सअप फैम, तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देख लिया होगा न्यूज़ में कि इंडिया ने कुछ ऐप्स और टिकटॉक को बैन कर दिया इंडिया में। हमारे अच्छे के लिए किया है, हाँ बुरा लग रहा है, बट अपने देश और अपनी कंट्री से प्यारा कुछ नहीं है, मेरे लिए तो खासकर। ठीक है, तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है, अगर मेरी वीडियोस पसंद है, तो जाके आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर लीजिए। प्रॉमिस रोज़ एक वहाँ पर ट्रांजिशन वीडियो दूंगा और वहीं बातें करेंगे। बाकी मैं तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट के साथ हूँ, जो उन्होंने स्टेप लिया है कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। तो गाइस शायद ये लास्ट वीडियो भी हो सकती है मेरी, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहीं बातें करेंगे, वहीं आपको वीडियोस दूंगा रोज़। यार मत रो, ओए अरे मत रो, हमारी फैमिली हमारा पीछा थोड़ी छोड़ेगी। गाइस इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो प्लीज़ गाइस, अगर आपको 1% भी हमने कभी हंसाया हो। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट मित्रों पता नहीं कौन से कितरों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी, बाय। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। देखा न्यूज चैनल्स पे दैट टिकटॉक बंद हो रहा है एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं दैट टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये मुझे ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ बहन, रो क्यों रही है? अरे अब हम कुछ ना कहाँ करेंगे। कोई नहीं बहन, मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, दिस इज फिल्दी, दिस इज डिस्गस्टिंग, दिस इज पथेटिक, एवरी अदर वर्ड दैट कम्स इन माई माइंड, दिस इज दैट। This is not a big deal for you. You are sitting there. तुम लोग सिर्फ मेरी ये स्टोरी देख रहे हो। This is a fucking big deal for me. जो लोग TikTok के बारे में गलत बोल रहे हैं उन्हें बता दूं कि 100 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट्स TikTok ने डोनेट किए थे इंडिया को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। जिस तरीके से कोई धर्म बुरा नहीं होता ना, उस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म भी बुरा नहीं होता। अभी न्यूज में दिखा कि TikTok बैन हो रहा है इंडिया में, तो मैं क्या बोलूँ, अभी कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब मुझे अभी अभी पहचान मिलनी शुरू हुई थी कि ओ हेलो, अब टिकटॉक बैन होने वाला है, तो ऐसा करते हैं हम इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड रहते हैं। ये रहा मेरा अकाउंट एकता इन लव, एक ही अकाउंट है, वहाँ पर कनेक्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज टिकटॉक बंद हो रहे हैं, तो मुझे प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ अभी हमको तुरंत फॉलो कीजिए ना प्लीज़। हेलो गाइस, कैम बॉय क्रॉक ओवर हियर। जैसे आप लोगों ने आज सुना होगा कि इंडिया ने 59 ऐप्स चाइनीज ऐप्स बैन करने का डिसीजन लिया है, और उसमें से टिकटॉक एक एप्लीकेशन है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि गाइस आप लोगों ने जितना मुझे अभी तक सपोर्ट किया है बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। ये ऐप गया तो चलेगा, बाकी कुछ नहीं, बस और बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं आप लोगों को मेंशन करता हूँ यहाँ पे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करना। और बस ऐसे आप लोगों ने जो सपोर्ट टिकटॉक पे दिया है वैसे ही सपोर्ट करते रहना, मेरे डेली अपडेट्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। बाकी लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, लव यू, सपोर्ट करते रहो, मिस यू ऑल। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि टिकटॉक बैन हो रहा है, कोई बात नहीं गाइस, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तो मैं चाहती हूँ ऐसे आप और भी मुझे प्यार देते रहे, तो सारा प्यार आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, तो जिन्होंने फॉलो नहीं किया है अभी जाके फॉलो करें। देखो बैन तो हो गया वो ऑफिशियली, अब कोई उम्मीद नहीं है, तो अब इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो अगर ये थोबड़ा दोबारा देखना है तो, नहीं तो फिर भीड़ में खो जाऊंगा मैं। लेकिन हम कहीं और चलेंगे, देखते हैं सफर कहाँ ले जाता है। आ जाओ विनय। टिकटॉक बैन हो गया तो जाते जाते ये गाना टिकटॉक के लिए। बहुत ही याद आओगे। मैं ही हिंदू हूँ
और मैं ही मुसलमान हूँ, मैं ही गीता हूँ और मैं ही कुरान हूँ, सिख और ईसाई हर किरदार हूँ, मुसलमान को सलाम हूँ, हिंदू को नमस्कार हूँ, सच कहूँ तो मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। आज अनाउंस हुआ है कि टिकटॉक बैन हो रहा है हमेशा के लिए। मैं जानता हूँ कि मेरे सपने टूट रहे हैं और शायद मैं अपने सपनों से बहुत दूर हो जाऊँगा, पर ये मेरे देश के हित के लिए फैसला है और मेरे सपनों से बढ़कर मेरा देश है मेरे लिए। मैं अपने देश के इस फैसले के साथ हूँ और एक बार क्या 10 बार मेरे सपने टूट जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ बात मेरे देश की है। सो थैंक यू सो मच, मैं कभी नहीं भूलूंगा आप लोगों को, कभी ज़िंदगी में नहीं। थैंक यू सो मच मुझे इतनी इज्जत देने के लिए, थैंक यू। बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मुझे देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। टिकटॉक मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा, मैंने एक भी बार ये नहीं बोला कि मैं टिकटॉक को अनइंस्टॉल नहीं करना चाहता, मैं अपने देश से प्यार नहीं करता हूँ, ये है वो है। मगर यार मैंने इतनी जो मेहनत करी है, जो लोग मैंने इतने कमाए अपने प्यार से, अपने टैलेंट से, इन सब चीजों से, उनको मैं कैसे छोड़ जाऊं यार, कैसे छोड़ जाऊं। जब तक आप लोग मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे कर लूंगा यार। ये मेरी टिकटॉक की प्रोफाइल है, यहाँ पर लिंक दिया, इसको क्लिक करो, वहां पर आओ, इसको छोड़ के हम वहां पर आते हैं, वहां पर वीडियोस बनाते हैं अच्छी अच्छी और आप लोगों को अपना टैलेंट दिखाते हैं। फटाफट आ जाओ यार। हेलो एवरीवन, सो फाइनली गाइस टिकटॉक बैन हो चुका है इंडिया में, तो आप लोग जाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ये अंधेरा क्यों आ रहा है यार, अरे यार रुक जाना यार। बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था टिकटॉक से, बहुत लोगों के पेट पे लात लगी है, बहुत सारे यूजर्स को एडवर्टाइजमेंट के जरिए पैसे आते थे, किसी को सैलरी भी मिली होगी जो जॉब करते होंगे। 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक का समय आपके पास, इस बीच में जितना टिकटॉक यूज़ करना है कर लीजिए, उसके बाद टिकटॉक एप्लीकेशन आपके फ़ोन से हमेशा के लिए हट जाएगी। ये भारत सरकार ने फैसला किया इसे बैन करने का। अब दिमाग में ये बात आ रही है, क्या ये एप्लीकेशन दोबारा से वापसी करेगी, क्या ये एप्लीकेशन आ सकती है? तो बोला जा रहा है हाँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, YouTube पे अब से थोड़ी देर बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा इस पर पूरा क्लियरली, हो सकता है ये हमारी आखिरी वीडियो, इसके बाद में ये एप्लीकेशन गायब हो जाए। पर आप मेरे Instagram पे जो भी अपनी प्रॉब्लम का मैसेज भेजेंगे, वो प्रॉब्लम मैं YouTube पे वीडियो बनाऊँगा, तो मुझसे जुड़े रहिए दोनों जगह, और हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आई लव यू सो मच, बहुत याद आएगी आप सब लोगों की, ये मैंने Instagram में यहाँ पे मैसेज करी, और YouTube पे वीडियो जरूर देखना। हेलो गाइस, तो टिकटॉक हो गया है बैन और अब हम लोग कहाँ मिलेंगे, तो प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे रोपोसो पर जरूर फॉलो करिएगा और प्लीज़ मेरे इंस्टा पर जुड़ जाइएगा। और मुझे रोना आ रहा है, तो मैं क्या करूँ यार, करवा दो। ये टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में, बैन हो गया नोनो। ओए नोनी, देख टिकटॉक बैन हो गया। नोनो नोनी, टिकटॉक बैन कैसी है यार? बंद हुआ टिकटॉक तो नहीं घबराएंगे, बंद हुआ टिकटॉक तो नहीं घबराएंगे, इस पल भी पहचान बनाए थे और आने वाले कल पर भी पहचान बनाएंगे। बैन होना था, हो गया। वैसे भी टैलेंटेड लोग को जरूरत नहीं किसी प्लेटफॉर्म की। पर यार मुझे एक बात बताओ, अब इनका क्या होगा? गाइस आई एम सन्नी लियोनी, मैं और सुनने में आ रहा है कि ये लोग अब यूट्यूब पे ट्राई करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? डियर मित्रों और मित्राणियों, सरकार की तरफ से आदेश आ चुके हैं, टिकटॉक कुछ ही समय में बैन हो जाएगा। और सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, टिकटॉक के साथ साथ पबजी और फ्री फायर जैसे अन्य 52 ऐप्स भी बैन होने वाले हैं। तो अगर आप मेरी वीडियोस और ऐसे ही देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे अभी जाके फॉलो कर लें। किसका वेट कर रहे हो, जाओ फॉलो करो। कंटेंट बनाने वाले और टैलेंटेड लोगों को कोई भी प्लेटफॉर्म पे जगह मिल जाएगी, मगर होटल आने वालों से मैं एक बात कहूंगा, अब तुम्हारी वीडियो व्हाट्सएप पे वायरल होगी क्या? सो व्हाट्स अप पीपल, दैट्स माय लकी आंसर गाइस। एंड गाइस, जैसे कि सबको पता है कि आज ऑफिशियली टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है, सो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। मैंने अपनी लाइफ में कभी ये चीज़ सोची नहीं थी कि मतलब मैं इतना, कोई मुझे प्यार करेगा और मतलब इतना सक्सेस मिलेगा। जैसे कि लाइक मेरे 18 मिलियन यहाँ पे क्रॉस हो चुके थे और यहाँ पे मतलब 18 मिलियन की एक फैमिली बन चुकी थी, जो मेरे लिए रोज़ मेरा अकाउंट खोल के देखते थे, वीडियोस देखते थे, एंड मैं उनके लिए वीडियोस बनाता था। सो एंड उसके बाद ये बात है कि आई एम रियली सॉरी उन लोगों के लिए जो इनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था और जिनसे मैं बात नहीं कर पाया, और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी।
एंड बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग वैसी वीडियोस जैसी आपको अच्छी लगती थी मेरी वीडियोस वैसी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं सो गाइस गो फॉलो मी ऑन इंस्टा। हेलो गाइस, सो आई होप आप सबको पता होगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि टिकटॉक बैन हो जाएगा। मुझे पता था वैसे, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टिकटॉक से हमारा सब कुछ नहीं चलता है। जब तक हमें खाना और ऑक्सीजन मिल रही है तब तक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, हम बहुत लकी हैं, टिकटॉक जा रहा है एंड वो सबके अच्छे के लिए है। बट फिर भी अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है, मेरे वीडियोस पसंद हैं या मेरे फोटोज़ पसंद हैं, आप मुझे देखना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप कभी भी देख सकते हो, आपका मन है तो फॉलो भी कर देना। एंड मैं लास्ट गुड बाय कहना चाहती थी, एंड पिछले 3 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं पोस्ट किए थे बिकॉज मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, मैं आज ही ठीक हुई थी। बट कोई बात नहीं, आई रियली लव यू ऑल सो मच, थैंक यू।